देखिए दोस्तों ये गुनगुना पानी है, ठंडा पानी नहीं है। हाँ इसमें पानी डालें, ये 5 रुपये वाला दूध है, ये आराम से घुल जाएगा। इसमें चीनी डालते हैं, जब तक ये गले नहीं तब तक इसको ढक के छोड़ देना है, पूरा गल जाना है अच्छी तरह से चीनी के, इसको ढक देना है। देखिए दोस्तों ये आटा है, और जो दूध और चीनी जो हम डाले थे पानी में, इसी में इसको मिक्स करना है। नॉर्मली आटा है ये, कोई दूसरा आटा नहीं है, जो रोज़ रोटी बनाते हैं वही आटा है। दोस्तों इस तरह सान लिए हैं, अब इसको जा रहे 10 मिनट के लिए ढक देने के लिए, इसी तरह मसलना है इसको, और जा रहे अब ढक देने के लिए। देखिए दोस्तों पानी चढ़ा दिए हैं इंडक्शन में, अब जा रहे चीनी डाल के चाशनी बनाने के लिए। देखिए दोस्तों अब चाशनी बन रहा है, अब बनने ही वाला है, थोड़ा देर में बन जाएगा। जा रहे हैं इसको ढक के रख देंगे, इंडक्शन को बंद कर दे रहे हैं। देखिए बन के तैयार हो गया है, अब जा रहे हैं इसको ढकने के लिए, नहीं तो जम जाएगा ये। देखिए दोस्तों ये सॉफ्ट हो चुका है, देखिए सॉफ्ट हो गया है। इतना छोटा छोटा तोड़ना है इसको, पूरा अच्छा तरह से इसको मसलना पड़ेगा, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, कहीं फटा नहीं होना चाहिए। देखिए है ना, इसी तरह देखिए इसी तरह होना है। देखिए कढ़ाई बैठा दिए हैं चूल्हा के अंदर, ऊपर रिफाइंड डाल रहे हैं, देखिए इसको यहाँ डाल रहे हैं। धीमी आंच में इसको पकाना है, देखिए दोस्तों कितना अच्छा धीरे धीरे ये पक रहा है, अंदर से पकना चाहिए नहीं तो अंदर कच्चा रह जाएगा। इस तरह उलट पलट करके इसको पकाना है।
देखिए दोस्तों, अब इसका कलर चेंज लग रहा है ना, आगे से देखिए इसका कलर अब चेंज हो रहा है। अब इसको उठा के चाशनी में गर्मा गर्म डालना है, उठा के डायरेक्ट चाशनी में डाल देना है। देखिए चाशनी में डालते जा रहे हैं, अब इसको ढक देना है। देखिए दोस्तों, सारा हम इसमें डाल दिए हैं। आपको यदि ज़्यादा चाशनी है, पूरा रस भरा खाना है, तो पूरा ज़्यादा बना के इसको डुबा दीजिएगा। इसको हम जा रहे हैं छोड़ देने के लिए आधा घंटा तक, पूरा सोख लेगा ये। तो पूरा रस तो सूख गया है, ये हल्का फुल्का है वो तो रहेगा ही। देखिए बड़ा बड़ा हो गया ना, देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है देखने में। इसी तरह अपना घर में भी ट्राई कीजिएगा। अब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।